आज जिस पुस्तक का विमोचन किया गया है, यह हमारे आदरणीय नेता जमा साहब के परिश्रम का यह एक परिणाम है कि हमारे मदरसा के शिक्षक साथियों की सेवा सुरक्षा के संबंधित, वेतनमान से संबंधित, दायित्व से संबंधित, अधिकार से संबंधित इस पुस्तक में 2010 तक के जारी शासनादेश अधिनियमों की व्यवस्था दी गई। निश्चित रूप से इस पुस्तक के प्रकाशन होने से हमारे मदरसा के साथियों के द्वारा जब अध्ययन किया जाएगा तो इनको अपने सेवा सुरक्षा संबंधी जानकारी होगी, जिससे ये शोषण से मुक्त होंगे। और मैं आज के अवसर पर अपने आदरणीय नेता और अरबिया मदारिस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जमा साहब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने देखा है कि इस मदरसे की मुलाजमत में कानून और जाब्ते वगैरह की जानकारी ना होने की वजह से इंतज़ामिया अफसरान और हमारे मदरसीन में और मुलाजमीन से अक्सर टकराव पैदा होता रहा, और जानकारी ना होने की वजह से लंबे लंबे मुकदमे हो जाते रहे, हाईकोर्ट तक मामला पहुँच जाता रहा, बर्खास्तगी मुअत्तली जो है मनमाने ढंग से होती थी। तो अब ये जहन में बात आई कि लोगों के अगर कानून कायदे मालूम हो जाए तो इस तरह से जो टकराव की हालत है ये पैदा ना हो, अगर होते हैं तो जाब्ते और कानून के दायरे में इसको हल किया जा सकता है। इस ज़रूरत को मेरे जहन में बात आई और मैंने इसको मुरतब करना शुरू कर दिया। तकरीबन 10 साल का ज़माना लगा, इसको हमने अभी पहला हिस्सा मुरतब किया है, दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है, इंशाल्लाह दिसंबर में वो भी आ जाएगा। ज़रूरत चूँकि ये सभी मदरसों के सभी असाज़ा मुलाजमीन इंतज़ामिया और दफ्तरान से अफसरान को भी है, और चूँकि उत्तर प्रदेश में आज तक ये किताब अभी तक किसी ने मुरतब नहीं की थी, और जबकि दीगर तालीमी इदारों में ये सब मुरतब हैं, सब लोग कानून कायदे के हिसाब से काम करते हैं, तो मुझे भी लगा कि नहीं इसकी ज़रूरत मदरसों में है, तो हमने इस किताब को मुरतब किया है, और मैं इंशाल्लाह समझता हूँ ये सबके लिए फ़ायदेमंद है।